ये देखिए पीएम मोदी जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां हैं, ये देखिए ये जा रही है पीएम मोदी की गाड़ी। ये देखिए पीएम मोदी का काफिला जा रहा है। अभी अभी पीएम मोदी यहाँ से गए हैं, इसका महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ करके। तो अभी हम जस्ट अंदर आए घुसे हैं और अभी आपको इसका व्यू दे रहे हैं अंदर से। तो फ्रेंड्स, हम बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे, हमें बहुत परेशानी हुई है अभी तक, ना ही थी सीएम देखने को मिले, ना ही पीएम देखने को मिले, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हमें परेशान कर दिया। और अभी जस्ट हम महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बड़ी मुश्किल से अंदर घुस चुके हैं। तो यहाँ पे अभी बहुत सिक्योरिटी टाइट है और बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन हम लोग अंदर आ चुके हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, हम अभी अंदर महाकाल मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए आप मेरे पीछे महाकाल मंदिर, कितना ही प्यारा सुंदर इसे भव्य बनाया गया है। तो आप मेरे साथ आइए और देखिए कि इसे कितना ही सुंदर बना दिया गया है। इसकी सुंदरता को कुछ फूलों को लगा के और फूलों में पूरा इसे सब दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ये देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, शिखर तक फूलों को लगाया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो जिस तरीके से लिखा गया है उसे और अच्छी तरीके से सजा दिया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजा दिया गया है। आपको मैं चारों ओर तरफ से ये इसका वीडियो दिखाऊंगा। अभी तक अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अंदर आ चुका हूँ। तो आप मेरे साथ देखिए कि यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना खूबसूरत इसको बना दिया गया है। आपको मैं हर ऐसी अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं हर जगह ऐसे व्लॉग लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ देखिए आप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं ही इस रास्ते पर आया हूँ। इस रास्ते पर पीएम मोदी अभी आए थे और अभी जस्ट इस रास्ते से इसी जगह से पीएम मोदी होकर गुजरे थे और उनके लिए ही इतना सजाया गया था इस जगह को। देखिए फ्रेंड्स, हर जगह को किस तरीके से फूलों से पूरा बिल्कुल सजाया गया है। हर जगह को देखिए आप, बिल्कुल ये नज़ारा आपको कोई भी नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं। ये रात का माहौल, इस टाइम पर कोई भी अंदर नहीं आया होगा, अभी तक कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ ये देखिए महाकालेश्वर मंदिर। अब चलते हैं महाकाल लोक की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है महाकाल लोक। इसी की ही इतनी महिमा है, इसकी ही इतनी बात चल रही है पूरे न्यूज़ में, पूरे मीडिया में, हर जगह इसी की खबर है कि ये है हमारा महाकाल लोक। हमारे उज्जैन में हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका, अपने कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, वो भी अभी जस्ट अभी एक घंटे पहले। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, चलिए आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको ज़रूर इस ब्लॉग में आपको ये सब कुछ अभी रात का आपको कवर करके दिखाऊँगा। चलिए मैं, देखते फ्रेंड्स आप, इधर पूरा ही महाकाल को भव्य बना दिया गया है। ये देखिए आप, ये मूर्ति आपने अभी कई बार देख ली हो। ये देखिए आप मेरे साथ, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कि यहाँ से कितना सही दिख रहा है। यहाँ से देखिए आप वहाँ तक पूरी लाइटों, कोई भी ब्लॉगर नहीं आया होगा अंदर अभी तक और इस तरह की वीडियोग्राफी अभी तक किसी ने भी नहीं की है, क्योंकि मैंने ये जब जगह देखा पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, मेरा पिछला ब्लॉग जरूर देखे आपने नहीं देखा हो तो मैंने जब ये पिछले ब्लॉग में ये जगह दिखाई थी तब ये यहाँ पर फाउंटेन नहीं चल रहे थे, उस टाइम इस पानी के फुहारे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब इस सारी जगह आप रात में और ये
जगह आपको मैंने दिन में दिखाई थी, सेम सारी जगह। तो इन सब जगहों को आप रात में भी देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और पीएम मोदी का तो जरूर ही मन यहाँ पर मोहित हो गया होगा इस जगह को देखकर, क्योंकि इस जगह की भव्यता और सुंदरता ही अलग हो रही है। क्योंकि तो देखिए रात में तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये सुंदर दिख रहा है, और यहाँ का लेजर्स तो वो तो और कहीं ज़्यादा इसको सुंदर बना रहा है, कई गुना सुंदर बना रहा है। तो देखिए आप मेरे साथ, ये यहाँ पर महर्षि गौतम बैठे हुए हैं, ये सारे जो महर्षि थे सप्त ऋषि, उन सभी को बिठाया गया है। और ये शिव स्तंभ है, जो शिव स्तंभ है वो उस पर। तो फ्रेंड्स ये है त्रिवेणी मंडपम, इसे इतना गुना सुंदर बनाया गया है कि ये देखिए आप, इसे जैसे पुराने वेदों में जिस तरीके से मंडप को बनाया जाता था, जिस तरीके से उसके नीचे हवन यज्ञ किए जाते थे, उस तरीके से इसको बनाया गया है और इसे उतना ही भव्य बनाया गया है। देखिए आप यहाँ पर, इसे बिल्कुल ही उसी थीम पर बनाया गया है, इसे बहुत बड़ा बनाया गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसके नीचे शायद आप लोग देख रहे हैं त्रिपुरासुर वध को, जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक असुर का वध करते हैं। यह त्रिपुरासुर वह है जिसने एक नई सृष्टि की रचना की थी, और जिस सृष्टि के बल से समस्त ईश्वरीय ब्रह्मा की सृष्टि का विखंडन हो गया था। ऐसे त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने शस्त्र उठाया और उस त्रिपुरासुर का वध किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा महाकाल लोक दिखाई दे रहा है, महाकाल लोक की हर तस्वीर यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो फ्रेंड्स मैं अब आखिरी छोर पर आ चुका हूँ, और ये देखिए यहाँ पर ये शिव जी की प्रतिमा बैठी हुई है, और बस ये यहाँ पे पिनाकी द्वार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो फ्रेंड्स मैं पिछले छोर से इस छोर तक आ चुका हूँ, तो मैंने आपको हर जगह को एक अच्छी तरीके से समझाया और अच्छी तरीके से पूरी जगह को आपसे एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए श्री गणेश जी के चरणों में वंदना करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।